मेरे सभी 10th में पढ़ रहे भाइयों और बहनों को नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग पॉइंट पर, जहां मैं कियारा आपकी ही तरह क्लास 10th में पढ़ रही एक स्टूडेंट कोशिश करूंगी आप सभी के साथ नॉलेज शेयर करने की और अपनी तरह टीनेजर्स की स्टडीज़ में हेल्प करने की। आज की वीडियो की रिक्वेस्ट की थी मेरे स्वीट सब्सक्राइबर्स कुंदन हेमराज और सौम्या श्रीवास्तव ने। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका का तीसरा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लिखा है मधु कांकरिया जी ने। मेनली मधु जी अपने बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांतों के लिए फेमस हैं। उनका जन्म कोलकाता में सन 1957 यानी 1957 में हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एमए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया था। उनके लेखों की मेन स्पेशलिटी ये है कि उनकी रचनाओं में विचार और संवेदना यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत मिलते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से समाज के प्रॉब्लम्स को अपने लेखों में जगह देती हैं। तो अब जब हम लेखिका को थोड़ा बहुत जान चुके हैं तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। साना साना हाथ जोड़ी। मधु ने हैरान होकर देखा किसे? सिक्किम के जगमगाते कैपिटल शहर गैंगटोक को। रात का समय था और जब उन्होंने उस सितारों भरी रात में गैंगटोक को जगमगाता देखा तो वो मुग्ध हो गई। वो सीन इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को उल्टा कर दिया हो और सारे तारे नीचे ज़मीन पर गिरकर टिमटिमा रहे हों। ढलान लेती तराई, इसका मतलब क्या है कि जो पहाड़ के नीचे का समतल यानी प्लेन मैदान होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा और नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, स्लैंटिंग होता है। तो उस ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे एक झालर सा बना रहे थे, यानी एक सुंदर डिज़ाइन बना रहे थे तारों का। पर ये क्या था दोस्तों? ये आसमान के तारे नहीं, रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। ये शहर सिक्किम की कैपिटल सिटी है और इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल है, यानी कि गैंगटोक ना तो ज़्यादा पुरानी विचारधारा वाला शहर है और ना ही ज़्यादा नई मॉडर्न सोच रखने वाला। एक तरह का करेक्ट बैलेंस यहाँ पर स्थापित होता है। और मधु ने कहा है कि ये मेहनतकश बादशाहों का शहर है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बहुत मेहनती हैं, जैसा हम खुद आगे देखेंगे इस पाठ में। गैंगटोक एक ऐसा शहर था जो हर समय सुंदर लगता था, चाहे सुबह हो, शाम या रात। और वो सितारों भरी रात लेखिका में सम्मोहन जगा रही थी, यानी उन्हें हिप्नोटाइज कर रही थी, कुछ इस कदर कि मानो सब कुछ स्थगित हो गया हो, यानी रुक गया हो, अर्थहीन हो गए थे, मीनिंगलेस बन गए थे। क्या मधु, उनकी चेतना यानी अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और उनके आसपास का सब कुछ खोसा गया था? उन्हें कुछ नहीं, बस शून्यता यानी एम्प्टीनेस फील हो रही थी। कोई और ख्याल दिमाग में नहीं आ रही थी, बस अतींद्रियता यानी अपने इंद्रियों, अपने सेंसेस से छूट जाना और वो रोशनी का जादू, उन्हें बस ये महसूस हो रहा था। धीरे धीरे एक उजास यानी उजाला उस शून्य यानी एम्प्टीनेस से फूटने लगा, यानी लेखिका की चेतना प्रकाश की तरह जागने लगी। एक प्रार्थना उनके मुँह से निकल पड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्दहु प्रार्थना, प्रार्थना करती हूँ हमरो जीवन तिमरो कौशली, यानी मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, यानी कि मेरी पूरी ज़िंदगी अच्छे कामों में बीत जाए। ये जो प्रार्थना के वचन थे ये उन्होंने एक नेपाली युवती यानी महिला से सीखे थे। अब लेखिका कहती हैं कि वैसे तो उन्हें सुबह होते ही युमथांग के लिए निकलना था, पर जैसे ही उनकी आँख खुली तो वह बालकनी की ओर भागी। क्यों? क्योंकि उन्हें माउंट कंचनजंगा देखना था, जो कि हिमालय की बल्कि पूरे वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट चोटी है, पीक है। इसकी हाइट 8,586 मीटर है। तो सिक्किम के लोगों ने उन्हें बताया था कि अगर वेदर क्लियर हो यानी मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिख जाता है, लेकिन उस सुबह आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। मधु जी कहती हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कपाट यानी दरवाज़ा। तो वो ये कहना चाहती हैं कि जैसे ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण भगवान के रास्ते बंद हैं, हम जैसों के लिए ईश्वर प्राप्ति के दरवाजे बंद हैं, वैसे ही इस साल सिक्किम में उससे पिछले साल की तरह ही बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था और कंचनजंगा को देखने के सारे रास्ते इस तरह बंद हो गए थे। अब कंचनजंगा दिखे ना दिखे, पर सामने ही मधु को रकम रकम यानी तरह तरह के रंग बिरंगे फूल ज़रूर दिखे, मानो वो फूलों के बगीचे में आ गई हों। बहरहाल यानी कुछ भी हो या खैर, युमथांग गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था।
अब जब ये लोग यानी लेखिका और उसके साथ के मित्र और यात्री चलने लगे तो उनके ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे ने उन्हें युमथांग का मीनिंग बताया कि युमथांग यानी घाटियाँ, वैलीज। वो बताते हैं कि सारे रास्ते हिमालय की गहनतम यानी सबसे गहरी घाटियाँ और फूलों से भरी वादियाँ देखने को मिलेंगी। मधु थोड़ी एक्साइटेड हुई और जितेन से उन्होंने पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। खैर, जब वो आगे बढ़े तो जगह जगह गदराई पायन और धूपी नाम के नुकीले पेड़ देखे। तब पहाड़ी रास्ते में उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ एक कतार यानी लाइन में सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ यानी झंडे थे। ये फ्लैग्स शांति और अहिंसा के प्रतीक थे और इन पर मंत्र भी लिखे हुए थे। जितेन नारगे, उनके गाइड प्लस ड्राइवर ने उन्हें बताया कि यहाँ सिक्किम में गौतम बुद्ध को बहुत माना जाता है, तो जब भी किसी बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी फॉलोअर की डेथ होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ऐसी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता और समय के साथ ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग नए काम की शुरुआत करते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो ऐसे ही कलरफुल फ्लैग्स फहरा दी जाती हैं। जब नारगे उन्हें ये सब बता रहे थे तो लेखिका की नज़र उनकी जीप में लगी दलाई लामा की पिक्चर पर पड़ी। इन एरियाज़ में दलाई लामा को बहुत माना जाता है, इसलिए कई दुकानों पर भी मधु ने दलाई लामा की फ़ोटोज़ देखी थी। अब हिचकोली खाती यानी कि डगमगाती हिलती डुलती उनकी जीप और आगे बढ़ी। जितेन अपनी लुभावनी यानी अच्छी लगने वाली हंसी बिखेर कर बताने लगी कि अब वो जिस जगह पर चल रहे थे उसका नाम था कवि लोंगस्टॉक और यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी जगह पर तिब्बत यानी चाइना के चीज़ खे बमसन थे मुखिया। उन्होंने लेपचाओं के जो लीडर थे, शोमेन थे, जिनका नाम था कुंजतेक, उनके साथ संधि पत्र यानी शांति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोजल पर साइन किए थे। तो एक पत्थर यहाँ स्मारक यानी याद दिलाने वाली एक वस्तु के रूप में भी है। ये लेपचा और भूटियाँ जो हैं ये सिक्किम की दो स्थानीय यानी लोकल जातियाँ हैं जिनके बीच हमेशा कुछ सुदीर्घ झगड़े यानी मतभेद आर्ग्यूमेंट्स रहती थी। जब एंड में उनको सॉल्व करके शांति की स्थापना की गई थी तो शांति वार्ता यानी बातचीत का शुरुआती स्थल यही जगह थी। कौन सी? कवि लोंगस्टॉक। तो कवि लोंगस्टॉक के ही रास्तों पर मधु ने क्या देखा? एक कुटिया यानी झोपड़ी के अंदर घूमता हुआ चक्र यानी व्हील। नारगे ने उन्हें बताया कि ये एक धर्म चक्र होता है जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं। इसको घुमाने से इंसान ने जो भी पाप यानी बुरे काम किए होते हैं वो धुल जाते हैं यानी मिट जाते हैं। अब आपको गंगा केस तो पता ही होगा, जैसे हम लोग ये मानते हैं कि हम गंगा में नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसे ही लेखिका ने भी यही सोचा कि चाहे मैदान हो या पहाड़ी इलाके, इतनी वैज्ञानिक प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बावजूद हमारे देश की आत्मा एक ही है। चाहे स्टेट जो भी हो, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, मान्यताएं और पाप पुण्य की अवधारणाएं यानी सोच और कल्पना यानी इमेजिनेशन एक जैसी ही है। अब रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ी तो बाज़ार, लोग और बस्तियाँ पीछे छूटने लगी, यानी आगे रास्ते में कोई सेटलमेंट्स नहीं दिख रही थी। अब उनके परिदृश्य यानी नज़र से नेपाली औरतें जो चलते चलते स्वेटर्स बुन रही थी और बोने से यानी छोटे से दिखने वाले छोटी हाइट के बहादुर नेपाली जो कि अपनी पीठ पर भारी भरकम कार्टून यानी डब्बे सामान ढो रहे थे, वो नज़र से गायब हो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि अब आगे ऐसा पहाड़ी इलाका आ गया था कि वहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। जब वो ऊँचाई से चलते हुए नीचे घाटियों में देखते तो पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर ऐसे लग रहे थे जैसे ताश के पत्ते हों। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि अपने विराट यानी बहुत बड़े रूप और वैभव में उनके सामने आने वाला था। ये हिमालय ना जाने कितने दर्शकों, देखने वालों, यात्रियों और तीर्थाटानियों यानी तीर्थ करने वालों का काम्य है यानी एक इच्छा है, कामना है। ये पल पल बदलने वाला हिमालय है जिसका रूप स्वरूप बदलता रहता है। वो कैसे, हम इस यात्रा वृत्तांत में देखेंगे आगे। अब और ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते रास्ते वीरान, संकरे यानी नैरो और किसी जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय अब विशालकाय यानी बहुत बड़ा दिखने लगा था। घटाएं या फिर हम कह सकते हैं घाटियां इतनी गहरी हो गई थी कि मानो पाताल तक पहुंच रही हूँ। वादियां चौड़ी हो रही थीं और बीच बीच में किसी करिश्मे यानी जादू, किसी मिरेकल जैसे कलरफुल फ्लावर्स शिद्दत से यानी बड़े ही प्रभावशाली तरीके से मुस्कुराने लगे।
उन भीमकाय यानी बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे यानी नैरो कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए मधु जी को यूँ लग रहा था जैसे कि वो किसी सघन यानी हरियाली से भरी हुई गुफा के बीच से हिलते डुलते हुए निकल रहे हों। सुंदरता इतनी प्रभावशाली थी कि सारे सैलानी यानी यात्री झूम उठे और गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मधु चुप रही, किसी ऋषि की तरह शांत। वो यह चाहती थी कि चुपचाप इस सारे दृश्य यानी सीनरी को अपने अंदर बसा ले। उनको अपने अंदर कुछ कुछ फील हो रहा था। वो जीप की खिड़की से अपनी मुंडकी यानी अपने सिर को निकालकर कभी आसमान को छूते पहाड़ों को देखती, कभी दूध की धारा जैसे बहते जलप्रपातों यानी झरनों को वाटरफॉल्स को देखती, कभी वो नीचे पत्थरों के बीच बहती तिस्ता नदी को देखती जो कि चांदी की तरह कौंध मार रही थी। ये तिस्ता उनके रास्ते में तब से बहती आई थी जब वो सिलीगुड़ी नाम की जगह पर थे, लेकिन इस जगह तो तिस्ता की सुंदरता पराकाष्ठा पर थी यानी उसकी चरम सीमा पर। मधु ने इतनी सुंदर नदी पहली बार देखी थी। इतनी सुंदरता के बीच रहकर लेखिका रोमांचित थी, एक्साइटेड थी, पुलकित थी यानी बड़ी खुश थी और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चिड़िया की तरह हल्की हो गई हूँ। अब उन्होंने हिमालय को सलाम करना चाहा, मेरी नगपति मेरे विशाल। पर तभी जीप एक झरने के आगे रुकी जो कि खूब ऊंचाई से पूरे वेग यानी स्पीड के साथ पर्वत की चोटी से गिर रहा था और फेन उगल रहा था यानी उसमें झाग आ रहे थे। ये झरना था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सारे यात्री इस खूबसूरत लम्हे को कैमरे में कैद करने में मशगूल यानी बिजी थे, पर लेखिका नहीं। वो पुराने ज़माने की किसी शापित राजकुमारी जैसे नीचे बिखरे बड़े पत्थरों पर बैठ गई और झरने के गिरने की आवाज़ को किसी संगीत की तरह सुनने लगी। जब उन्होंने बहती हुई जलधारा में पैर डुबोया तो उनका मन अंदर से भीग गया, खुश हो उठा। उनके मन को जीवन के सत्य यानी सच्चाई और सौंदर्य यानी सुंदरता का एहसास होने लगा। वो झरना जीवन की अनंतता का प्रतीक था कि कैसे किसी झरने की तरह जीवन भी बहता रहता है। उन क्षणों में यानी उन पलों में मधु को जीवन की शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे वो खुद भी देश और समय की सीमाओं से परे कोई धारा बनकर बह रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर की सारी तामसिकताएं और दुष्वासनाएं यानी बुरी फीलिंग्स इच्छाएं उस निर्मल पवित्र धारा में बह गई हों। उनका मन करा कि वो वहीं पर बैठे रहे, पर जितेन उन्हें ठेलने लगा यानी धक्का देने लगा कि अब चलो आगे और भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। थोड़ी सी अनमनी सी यानी हिचकिचाते हुए मधु उठी। आगे उन्होंने ऐसे ही सुंदर नज़ारे देखे जिससे उनकी आत्मा को बड़ा सुख मिला। हिमालय का रूप उसका लुक पल पल बदल रहा था। कहीं इतनी हरियाली थी जैसे कि हिमालय ने एक हरा मोटा कालीन ओढ़ा हो, कहीं हल्का पीलापन तो कहीं पथरीला सा मानो दीवार पर से प्लास्टर उखड़ रहा हो। और देखते ही देखते सब कुछ परिदृश्य यानी नज़र से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो इतनी ऊंचाई पर आ चुके थे कि सब कुछ बादलों से ढका हुआ था। चित्रलिखित सी यानी किसी पेंटिंग के जैसी इस सीनरी, इस माया और छाया यानी जादू और नज़ारे के खेल को लेखिका देखती रही। उन्हें लगा मानो प्रकृति उनको सयानी बनाने के लिए, उन्हें समझदार बनाने के लिए जीवन के सारे रहस्य यानी सीक्रेट्स का उद्घाटन कर रही हो, अपने सारे सीक्रेट्स सारी सुंदरता खोल रही हो। अब वो आगे बढ़े तो धुंध यानी कोहरे की चादर हटी। अब पहाड़ नहीं थे, छाया पहाड़ थे जो कि टू अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे। जीप को थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया। अब जब मधु ने देखा तो हर ओर इतनी खूबसूरती थी मानो जन्नत बिखरी हो। अब लेखिका को महसूस हुआ कि हमारा वजूद यानी अस्तित्व, पहचान समय और प्रकृति की चाल के सामने तिनके जैसा है जो हर समय बहता रहता है। चैरवेती चैरवाती यानी कि चलते रहो चलते रहो। पहली बार ऐसा लगा उन्हें कि जिंदगी में खूबसूरती इस चलायमान सौंदर्य और आनंद से ही है। अब लेखिका को फिर से इमोशनल फील होने लगा था। उस संपूर्णता यानी कम्प्लीटनेस के कुछ पलों में उन्हें ऐसा लगा जैसे अंदर बाहर की सारी फीलिंग्स मिट गई हों और आत्मा की खिड़कियां खुल गई हों। वो कहती हैं कि उन्हें सचमुच भगवान के पास होने का एहसास हो रहा था। उनकी ज़ुबान पर सुबह सीखी हुई प्रार्थना आई, साना साना हाथ जोड़ी, पर तभी उनका वो अतींद्रिय यानी सुख में डूबा संसार खंड खंड हो गया, चूर चूर हो गया। उनका ये आत्मीय सुख वाला महाभाव एक सुखी टहनी की तरह टूट गया। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ।
दरअसल खोई हुई अवस्था में मधु कुछ दूर घूमते घूमते आ गई थी। वहाँ उन्होंने ये देखा कि प्रकृति की इस सुंदरता से बिल्कुल अलग दिखने वाली कुछ पहाड़ी औरतें हाथों में हथौड़े और कुदाल लिए पत्थर तोड़ रही थीं। उनके नाजुक से शरीर ऊपर से पेट पर बंधी डोको यानी एक बड़ी टोकरी में छोटे बच्चे। ये देखकर मधु को ऐसा लगा मानो समाधि के शांत भाव में कोई नृत्यांगना नाच रही हो, परंतु उसके पैरों के नूपुर यानी घुंघरू टूट गए हों। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे स्वर्ग जैसे सौंदर्य झरनों और वादियों के बीच भूख मौत दैन्य और जिंदा रहने की जंग भी है। मातृत्व यानी ममता और मेहनत साथ साथ। वहीं पर एक BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी खड़ा था। मधु ने जब उससे इस बारे में बोला तो चहलबाजी यानी इरिटेशन के अंदाज में उसने बताया कि जिन रास्तों से आप गुजरते हो और पहाड़ों से टक्कर लेने जा रहे हो उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। अकस्मात यानी एकदम से वो बोल पड़ी कि ये तो बड़ा खतरनाक काम है। तो वो कर्मचारी संजीदा यानी सीरियस हो गया और बताने लगा कि पिछले महीने तो एक की मौत तक हो गई थी। ये पहाड़ों पर रास्ता बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है और फिर बड़े से जाले में उन्हें एक लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। थोड़ी सी भी चूक हुई और सीधा मृत्यु के द्वार खुल गए, पाताल प्रवेश हो गया। और तभी लेखिका को याद आया कि उन्होंने एक रास्ते पर सिक्किम सरकार का एक बोर्ड देखा था जिस पर लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, कि आप ताज्जुब करेंगे, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुकलाया है। एकदम से उनका जो मतलब मानसिक चैनल था यानी उनके मन के रेडियो का चैनल बदल गया। अब वो बहुत दुखी हो गई थी। ऐसे ही एक बार उन्होंने पलामू और गुमला के जंगलों में आदिवासी औरतों को देखा था जो कि बच्चों को कपड़े से पीठ पर बांधकर वन वन यानी जंगल जंगल पत्ते ढूंढती फिर रही थी। अब उन्होंने एक सिमिलैरिटी यानी एक समानता देखी। क्या? कि आदिवासी औरतों के सूजकर फूले हुए पैर और पहाड़ियों के हाथों पर पड़े ठाठे यानी निशान एक ही कहानी कह रहे थे। कि आम जनता की कहानी काफ़ी हद तक एक जैसी है, सारी मलाई एक तरफ यानी सारे सुख और कंफर्ट एक तरफ और इन लोगों के आंसू अभाव कमियां यातना सफरिंग्स दुख और वांछना यानी बेचैनी एक तरफ। और तब वहां मधु के मित्र मणि और गाइड जितेन उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गए। उन्हें इतना गमगीन यानी दुखी देखकर जितेन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये उनके देश की आम जनता है, ये तो उन्हें कहीं पर भी दिख जाएगी, पर आप इन्हें नहीं, यहां के पहाड़ों की सुंदरता को देखो, आखिर आप इस यात्रा के लिए इतने पैसे खर्च करके जो आए हो। और मन ही मन मधु ने सोचा कि ये देश की आम जनता ही है जिसके कारण हम सभी के जीवन में संतुलन यानी बैलेंस है कि हम इतना आराम से रह रही हैं, वो इन्हीं के कारण है कि ये इतनी मेहनत करते हैं, ये बेस्ट एट रीपेइंग है यानी कितना कम लेकर ये हमको कितना लौटा देते हैं, इतनी कम कमाई होने के बावजूद ये हमारे लिए कितना कुछ कर जाते हैं। और जब वो तीनों जीप की ओर मुड़ने लगे तो मधु ने देखा वो श्रम सुंदरियाँ यानी मेहनत करती हुई सुंदर महिलाएं किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं। अब मधु को थोड़ी शांति मिली, उनका जीवन फिर से लहरा उठा और जो भी उनके मन का खंडहर था वो ताजमहल जैसा सुंदर बन गया था। यानी कि पहले उनका मूड दुखी हो गया था इनको इतना श्रम करते देख, उनको इतनी सफरिंग्स देखते झेलते देख पर, लेकिन अब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई, अब उनका मन थोड़ा शांत हुआ। तो दोस्तों ये है केवल Part 1 साना साना हाथ जोड़ी का। आप खुद ही देख रहे होंगे पहले से ही करीब इसको 20-21 मिनट हो गए हैं यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। अब मैं आखिर और कितना देर तक बोलूँ, मेरे को खुद को बहुत अब गला सूख रहा है मेरा, तो इसका मैं Part 2 आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाऊँगी। इसकी स्क्रिप्ट करीब 12 पेजेस की है, मैंने मुश्किल से आपको बुक के 5 पेजेस समझाए हैं और इसकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते मेरे 12 पेजेस नोटबुक के खर्च हो गए। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मुझे इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों से मैं कुछ नहीं चाहती, बस इस वीडियो को देखिए समझिए और मुझे कमेंट करके अगर मेरी कोई कमी हो तो वो ज़रूर बताइए। प्लस अगर आपको ये अच्छा लगे, मेरा समझाया हुआ आपको समझ आया हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब आपके जो भी सजेशंस होंगे उनकी मैं 500 सब्सक्राइबर्स रीच करने पर ही वीडियोज़ बनाऊँगी।
राइट नाउ हमारा करेंट सब्सक्राइबर काउंट है 330। थैंक यू गाइज, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आपकी तरफ से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक्स दोस्तों, अब आप इस वीडियो को दो बार देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।